स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लेजेंड्स में। दोस्तों बात करेंगे आज हम लोग पाकिस्तान सुपर लीग का जो मैच नंबर 4 है जो कि खेला जाएगा मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है दोनों टीमों के लिए, क्या प्लेइंग 11 होने वाला इन दोनों टीमों का। फिर दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि ये पिच बिहेव क्या करती है, पिच का बिहेवियर क्या होने वाला है। दोस्तों T20 का फॉर्मेट है तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों टीमों में काफी ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, तो हम लोग इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है दोस्तों वो होगा ऑलराउंडर्स का। अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे मुल्तान सुल्तान के प्लेइंग 11 और इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेइंग 11 में, तो दोनों का प्लेइंग 11 दोस्तों काफी स्ट्रांग है, क्योंकि दोनों टीमें के अगर हेड टू हेड की बात करें रिसेंट मैच जो खेला था इन लोगों ने, तो देखा जाए तो दोनों का टीम 13 मैच लगभग खेला है, तो 7 मैच को विन किया है मुल्तान सुल्तान ने और 6 मैच को विन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने। तो काफी दोनों का जो है पोजीशन काफी स्ट्रांग है, यानी दोनों टीम काफी स्ट्रांग नजर आता है। तो बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हम लोग मुल्तान सुल्तान के प्लेइंग 11 पर अगर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान आएंगे डेविड मलान के साथ ओपनिंग में, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे रिजा हेंड्रिक्स आपको दिखेंगे, यहाँ पर खुशदिल शाह आपको सेकेंड नंबर पोजीशन पे दिखेंगे, यासिर खान आपको बैट्समैन सेक्शन में दिख जाएंगे, इफ्तिकार अहमद है दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, उसके बाद डी वेली दोस्तों लेफ्ट आर्म फास्ट, यानी अगर डी वेली बात करें दोस्तों यहाँ पर तो ये इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इन्हें आपको बॉलर सेक्शन में रखा गया है जो कि ये ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं, यानी इन्हें कभी कभी ऊपर भी भेज दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद बात करेंगे उस्मा मीर जो आपको लेग ब्रेक देखने को मिलेगा, उसके बाद अब्बास अफरीदी जो राइट आर्म फास्ट यानी बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे, मोहम्मद अली है जो राइट आर्म मीडियम पेस में दिखेंगे, आपको शाहनवाज धानी है जो आपको बॉलर सेक्शन में दिखेगा। बात करेंगे दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेइंग 11 का, तो यहाँ पर कॉलिन मुनरो के साथ एलेक्स हेल्स आपको ओपनिंग के लिए दिखेंगे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे शादाब खान जो कि कैप्टेंसी भी कर रहे हैं टीम के लिए और काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको शादाब खान आपको यहाँ पर दिख जाएगा बॉलिंग में, बॉलिंग करता हुआ भी दिखेगा कुछ स्पेल। उसके बाद यहाँ से बात करेंगे आगा सलमान आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, आजम खान आपको विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे, हैदर अली दोस्तों यहाँ पर आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, और यहाँ पर इमाद वसीम आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगा, फहीम अशरफ ऑलराउंडर सेक्शन में, नसीम शाह आपको बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे जो राइट आर्म फास्ट मीडियम, उसके बाद उबैद शाह यहाँ पर आपको बॉलर सेक्शन में दिखेगा, टीएस मिल यहाँ पर आपको लेफ्ट आर्म फास्ट यानी बॉलर सेक्शन में दिखेंगे। दोस्तों बात करेंगे इन मैचों का तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है दोस्तों कि पिच का बिहेवियर क्या होने वाला है। तो पिच रिपोर्ट्स की अगर बात करें दोस्तों इस मैदान पे जो ये मैदान है दोस्तों मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पर दोस्तों हमेशा देखा गया है कि बैट्समैन को ही ज्यादा एडवांटेज मिला है बॉलर्स के मुकाबले में, तो यहाँ पर हम लोग उसी अकॉर्डिंग हम लोग टीम को बनाएंगे, टीम 1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, टीम 2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट सेक्शन जो होता है वो होता है कैप्टन और वाइस कैप्टन के, जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर होंगे उसे हम लोग इस टीम में किसे लेकर के चलना है। सबसे पहले अगर बात करें इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में, तो प्लेइंग 11 दोस्तों यहां से आप देख रहे हो ऑलराउंडर सेक्शन दोनों टीमों में है, यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों शादाब खान जो आपको देख रहे होंगे कैप्टेंसी भी कर रहे हैं, और आपको बैटिंग सेक्शन में यानी इन्हें ऊपर प्रमोट किया गया है, यानी ये अपने स्पेल के 2 से 4 ओवर कर सकता है इस मैच में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स है जिसे हम लोग अपने टीम में लेके चलेंगे, कौन कौन से ऐसे प्लेयर है जो आज के इस मैच में आपको ट्रम्प कार्ड दिख सकता है, यानी ड्रीम टीम का मेंबर आपको वो प्लेयर दिखने वाला है। सबसे पहले अगर बात करेंगे यहाँ पर टीम 1 के पोजीशन का, तो टीम 1 का कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या रखे हैं, विकेट कीपर सेक्शन मैंने 1 रखा है, यहाँ पर बैट्समैन सेक्शन को 3 रखा है, यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन बात करें तो 4 लेके चले हैं, और यहाँ पर बात करेंगे तो 3 बॉलर सेक्शन हम लोग लेके चले हैं। अगर बात करें दोस्तों मुल्तान सुल्तान टीम के विकेट कीपर सेक्शन में, तो विकेट कीपर सेक्शन का अगर बात करें हम लोग, तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको दिखने वाले हैं मोहम्मद रिजवान जो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर बात करें यहाँ पर मोहम्मद रिजवान, तो एज ए फिक्स प्लेयर ही लेकर के हम लोग चलने वाले हैं इस मैच में मोहम्मद रिजवान, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और अच्छे फॉर्म में भी चलते हैं, तो यहाँ पर मोहम्मद रिजवान को हम लोग एज ए फिक्स प्लेयर लेके चले। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप
डिफरेंशियली पिक करते हो, मोहम्मद रिजवान को आप ड्रॉप करना चाहते हो, तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको अच्छा खासा यहाँ पर दिख सकता है। मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, आजम खान आपको इस मैच में हो सकता है आजम खान आपको स्कोर करके दे दे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजम खान को भी आप किसी किसी टीम में लेके चलोगे। तो ये था दोस्तों हमारा विकेट कीपर सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे जो है बैट्समैन सेक्शन। तो बैट्समैन सेक्शन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर बैट्समैन में आपको डेविड मलान दिखेंगे, रीजा हेंड्रिक्स दिखेंगे, उसके बाद खुशदिल शाह दिखेंगे, यासिर खान। तो यहाँ पर बैटिंग अगर देखा जाए तो मुल्तान सुल्तान के चार बैट्समैन है जो टॉप ऑर्डर में खेलने आ रहे हैं। और यहाँ पर बात करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से, तो बैट्समैन सेक्शन में आपको कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स और शादाब खान और आगा सलमान जो कि आपको दिखेंगे बैट्समैन सेक्शन में टॉप फोर बैट्समैन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तीन कॉम्बिनेशन लेके, तीन स्पोर्ट्स लेके चले हम लोग इस स्पोर्ट में, टीम वन के कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर बात करेंगे मुल्तान सुल्तान, तो मुल्तान सुल्तान में दोस्तों एक तो हमारा विकेट कीपर सेक्शन में मोहम्मद रिजवान को मैंने रख लिया है, वो भी बैट्समैन सेक्शन ही है। और यहाँ से बात करें डेविड मलान और रीजा हेंड्रिक्स में, तो यहाँ पर डेविड मलान और रीजा हेंड्रिक्स में आप डिफरेंशली पिक करोगे, डेविड मलान और रीजा हेंड्रिक्स, इन दोनों में आपको क्या करना है, डिफरेंशली पिक करना है, दोनों को एक साथ लेके नहीं चलना है। डिफरेंसली यानी यार दो टीम बना रहे हो तो दोनों में से एक एक को लेकर के चलना है। फिर बात करेंगे यहाँ से बैट्समैन सेक्शन, यहाँ पर से अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड से बात करें बैट्समैन सेक्शन में, तो कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करेंगे, कॉलिन मुनरो और एलेक्स हेल्स, इन दोनों में से किसी एक को ही लेकर के चलेंगे टीम वन में। टीम टू में आप क्या कर सकते हो, एलेक्स हेल्स को ड्रॉप करके कॉलिन मुनरो के साथ आप यहां पर जा सकते हो आगा सलमान के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन है, मैं आगे भी बताऊंगा, टीम टू भी दूंगा, वो टेलीग्राम पे मैं दे देता हूं। यहां से बात करें हम लोग थर्ड स्पोर्ट में, तो थर्ड स्पोर्ट में दोस्तों यहां पर आप कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो, यहां पर थर्ड स्पोर्ट में दोस्तों खुशदिल शाह आपको ऑलराउंडर सेक्शन में ही दिखेंगे, यहाँ पर यासिर खान है बैट्समैन सेक्शन में, और यहाँ पर बात करेंगे बैट्समैन सेक्शन में तो आगा सलमान आपको दिखेंगे बैट्समैन सेक्शन में, और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपको हैदर अली दिखेंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशियली पिक कर सकते हो, एक जगह आपको ए सलमान के साथ जाना और एक जगह आपको यहाँ से बैट्समैन सेक्शन में यासिर खान, इन दोनों को आप डिफरेंशियली पिक करोगे इस टीम में। तो दोस्तों ये था हमारा बैट्समैन सेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। आप देख रहे होंगे ऑलराउंडर सेक्शन हमारा चार स्पोर्ट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो हमारा है खुशदिल शाह को एज ए फिक्स प्लेयर ही लेके चलेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इस मैच के लिए। आपको ड्रीम टीम का मेंबर आपको दिखेगा खुशदिल शाह। अब बात करेंगे इस तीन स्पोर्ट में किसे लेके चलना है, तो यहां से सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों इफ्तिखार अहमद, आप डिफरेंशियली पिक करोगे इफ्तिखार अहमद। और यहां से बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखने वाला है इमाद वसीम। तो इमाद वसीम को दोस्तों हम लोग एज ए फिक्स प्लेयर ही लेकर के चलेंगे इस स्पोर्ट पे। और यहां से बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से ऑलराउंडर सेक्शन, तो फहीम अशरफ भी आपको इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस मैच में, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, फहीम अशरफ को भी रख सकते हो। तो ये हमारा ट्रम्प प्लेयर हो सकता है फहीम अशरफ, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज काफी कम होता है, तो यहां से आप फहीम अशरफ को आप एज ए फिक्स प्लेयर लेकर के जा सकते हो मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था दोस्तों हमारा ऑलराउंडर सेक्शन। तो ऑलराउंडर सेक्शन हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे कि बॉलर सेक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स हैं, क्योंकि बॉलर सेक्शन दोस्तों दोनों टीमों में काफी पड़े हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए डी वेली दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इन्हें ऑलराउंडर सेक्शन में ही रखना है, लेकिन इन्हें आपको देखना फैंटेसी ऐप में आपको बॉलर सेक्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डी वेली को हम लोग एज ए फिक्स प्लेयर लेके चलेंगे, क्योंकि इनको अगर बैटिंग मिल गया तो बैटिंग से भी अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है। तो डी वेली भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यहां से बात करें
मुल्तान सुल्तान टीम से डी वेली को एज ए फिक्स प्लेयर लेकर के चले हैं हम लोग। और यहाँ से बात करें मोहम्मद अली और शाहनवाज धानी, इन दोनों में से किसी एक को लेके चलेंगे तो हम लोग शाहनवाज धानी को ही लेके चलेंगे। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों एक स्पॉट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से हमें रखने हैं, वो आपका हो सकता है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट जो हो सकता है वो है नसीम शाह और टीम मेल्स। इन दोनों में से डिफरेंशियल पिक आप कर सकते हो नसीम शाह और यहां पर टी मेल, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के आप बॉलर सेक्शन में जा सकते हो। तो ये था दोस्तों टीम वन का कॉम्बिनेशन और टीम टू का कॉम्बिनेशन और थर्ड का मैं टेलीग्राम पे दे देता हूं, तो वहां से आप देख लोगे। अब यहां से दोस्तों अगर बात करें जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे आज के इस मैच में जो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से अगर बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर, सबसे पहले अगर बात करें मुल्तान सुल्तान टीम से, तो मुल्तान सुल्तान टीम से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन में मोहम्मद रिजवान जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मैच के लिए। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों डेविड मलान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्योंकि T20 में डेविड मलान का फॉर्म काफी अच्छा रहता है, आपको बड़ा स्कोर करता हुआ दिख सकता है। अगर ये कुछ ओवर रह गया तो काफी हिट करते हैं तो आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन में डी मलान को भी आप रख सकते हो। अब यहां पर बात करें दोस्तों थर्ड नंबर में जो आपको रखने हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन में, तो यहां पर आप क्या कर सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में आप खुशदिल शाह को भी रख सकते हो, खुशदिल शाह जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों बॉलर सेक्शन में, तो बॉलर सेक्शन अगर बात करें तो डी वेली जो इंपॉर्टेंट होंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर है डी वेली, क्योंकि इन्हें ऊपर भी भेजा जा सकता है बैटिंग के लिए और कंप्लीट चार ओवर कर सकते हैं टीम के लिए, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसलिए डी वेली को भी आपको देखना है। बात करेंगे दोस्तों इस्लामाबाद यूनाइटेड टीम से कैप्टन और वाइस कैप्टन के, तो यहां पर अगर बात करें नंबर एक तो कॉलिन मुनरो, यहां पर दो का बात करें एलेक्स हेल्स को हम लोग आज के इस मैच में ड्रॉप करके चलेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन के कंटेंडर नहीं रखेंगे। शादाब खान इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों, शादाब खान को आप लोग को लेके चलना है क्योंकि शादाब खान आपको यहां पर बैटिंग भी देख फर्स्ट पोजीशन पे ही है, यानी टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी हो रहा है और अपने स्पेल के कुछ ओवर्स भी करेंगे, तो शादाब खान काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें नंबर थर्ड का, तो नंबर थर्ड में दोस्तों आप क्या कर सकते हो यहां पर ऑलराउंडर सेक्शन में इमाद वसीम या फई मशरफ, इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हो। इमाद वसीम जो इंपॉर्टेंट लग रहा है इस मैच के लिए। तो ये था दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन और बैट्समैन सेक्शन में। अब हम लोग बात करेंगे कि यहां पर बॉलर सेक्शन में कौन हो सकते हैं आज के इस मैच में जो ट्रम्प कार्ड हो सकता है, वो है हमारे नसीम शाह। और यहां से बात करें बॉलर ही सेक्शन में, तो आप किसी किसी टीम में टी मिल्स को भी रख सकते हो। तो ये था दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है। अगर आप दो या पांच टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सारे कॉम्बिनेशन में आपको डिफरेंसली पिक करना है कैप्टन और वाइस कैप्टन, क्योंकि आप इतने कैप्टन और वाइस कैप्टन जो दिए हैं हमने वो डिफरेंसियल टीम के लिए है, यानी आप दो या दस टीम का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो सब में आपको ट्राई करने हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन। अब बात करेंगे दोस्तों इन दोनों टीमों की, तो ये दोनों टीमें ऑन द पेपर अगर देखा जाए तो दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है दोस्तों आपस में, क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछला कुछ रिकॉर्ड है मुल्तान सुल्तान ने 7 मैच विन किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 मैच विन किया है, यानी मैच जो होगा दोस्तों वो दोनों काफी इंपॉर्टेंट होगा मैच, क्योंकि दोनों टीमें काफी स्ट्रांग है। तो ये था दोस्तों मुल्तान और सुल्तान के बीच जो होने वाला मैच नंबर 4 PSL का, तो देखेंगे क्या अपडेट, जो भी अपडेट होगा दोस्तों वो टेलीग्राम पे दे देंगे। टीम का जो भी कॉम्बिनेशन मैं दे रहा हूँ वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे।